ओके गाइस, सो आज मेरे पास दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोन्स है। जी हाँ, ये है OnePlus का 11R जिसके अंदर हमको Snapdragon 8 Plus Gen 1 देखने को मिलता है। वेरस ये है iQOO का Neo 7 जिसके अंदर हमको Dimensity 8200 प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों के प्राइस में लगभग 10,000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई ये जो 30,000 रुपये का फ़ोन है इसके अंदर जो प्रोसेसर Dimensity 8200 वो सेम प्रोसेस पर बना हुआ है 4 नैनोमीटर TSMC के जो ये 8 Plus Gen 1 बना हुआ है। तो रियलिटी क्या है भाई, साइड बाय साइड रखकर आज हम लोग स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई कौन सा प्रोसेसर ज्यादा फास्ट है। हम ऐप ओपन करेंगे, रैम मैनेजमेंट देखेंगे, गेम्स भी ओपन करेंगे, साथ साथ वीडियो रेंडरिंग का भी टेस्ट करके देखेंगे। सारी चीजें बताने वाला हूं स्टूडियो में। सो ही व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन OnePlus 11R वर्सेस iQOO Neo 7। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, जैसे मैंने बताया भाई, इसके अंदर हमको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 देखने को मिलता है, 8 प्लस जेन 1 देखने को मिलता है, वेरस इसके अंदर हमको डायमेंसिटी का 8200 देखने को मिलता है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ईमानदारी से गाइस, बिना आगे स्किप किए ये मेरे को बताना कमेंट्स में कि कौन जीत रहा है। लेट्स सी कितने लोग राइट होते हैं यहाँ पर। बाकी लेट्स स्टार्ट। बाकी दोनों जो है बेस वेरिएंट है गाइस, दोनों के अंदर हमको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। तो आज की डेट है 8 मार्च, उसके हिसाब से दोनों फोन कंप्लीटली अपडेटेड है। दोनों फोन के जो सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेटेड है, दोनों फोन में जो हम एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं वो भी सारे अपडेटेड है। बाकी लेट्स क्विकली सी द बेंचमार्क। सबसे पहले जो UFS 3.1 स्टोरेज है उसमें वियर्डली जो iQOO है उसका स्टोरेज का स्पीड थोड़ा स्लो आया है, पता नहीं क्यों। 2-3 बार मैंने टेस्ट किया, दोनों बार थोड़ा सा स्लो ही है। रीड स्पीड पर्टिकुलरली स्लो है, मतलब वो लगभग 1000 MBPS के आसपास होना चाहिए 1GB के आसपास, लेकिन यहाँ पर हमको 500 MB के आसपास ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब मैंने Geekbench बेंचमार्क रन किया गाइस, तो वहाँ पर हल्का सा ज़्यादा बेटर जो OnePlus है, बाय द वे OnePlus का भी जो मैंने बेंचमार्क सारे किए हैं वो नॉन परफॉर्मेंस मोड में है। दोनों में एकदम जो बेसिक मोड आता है जैसा कंपनी देती है वैसा ही मैंने दोनों के अंदर परफॉर्म किया है बेंचमार्क वगैरह, कोई भी परफॉर्मेंस बूस्ट मोड एक्टिव नहीं है, ये चीज़ आप लोग याद रखो। एंट्रू की बात करूँ तो यहाँ पर ये iQOO वाला ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया भाई, जो काफ़ी क्रेजी बात है। बट अगर इसके अंदर बूस्ट मोड ऑन करो तो 1 मिलियन जाता है, लेकिन भाई बूस्ट मोड बहुत कम ही लोग ऑन करते हैं। उसके बाद 15 मिनट तक के CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया तो यहाँ पर भी क्लियरली iQOO वाले में ज़्यादा स्टेबिलिटी है, एंड जो जिप स्कोर है वो 2,38,000 है, लेकिन यहाँ पर बिना बूस्ट मोड के भी 2,56,000 जिप स्कोर है एंड 82% की थ्रॉटलिंग है। तो काफ़ी अच्छा स्कोर दोनों के अंदर है भाई, तो दोनों भी काफ़ी स्टेबल प्रोसेसर है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि भाई ये जो फ़ोन है ये हमको ऑक्सीजन OS के साथ देखने को मिलता है, ये फ्रंट टच OS के साथ देखने को मिलता है, वही एक बड़ा डिफरेंस है। अभी ऑक्सीजन OS मैं OnePlus 11 के अंदर यूज़ कर रहा हूँ भाई, उसके अंदर तो बहुत सारे बग्स है, फिलहाल इसके अंदर मेरे को इतने ज़्यादा बग्स नोटिस नहीं हुए। अभी गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो सारे जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली अपडेटेड है, दोनों फ़ोन भी सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम टू सेम है दोनों फ़ोन में। सो या विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स स्टार्ट द स्पीड टेस्ट। स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम से, 3-2-1। ओके, iQOO जीता है क्लियरली भाई, iQOO जीता है। फेसबुक यहाँ पर सेम स्पीड पे खुले दोनों भी। एम इंडिकेटर यहाँ पर हल्का सा आगे, ये रहा है क्या बोलते हैं OnePlus वाला। यूट्यूब ओके, यहाँ पर भी OnePlus जीता है। ओके, क्रोम यहाँ पर बोथ आर सिमिलर। एप्पल इंडिया की वेबसाइट लोड करते हैं। ओके, OnePlus में हल्का सा ज़्यादा बेटर, ज़्यादा फास्टर खुली है, लेकिन स्मूथनेस की बात करूँ तो मेरे को iQOO का स्मूथनेस थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। iPhone 14 का बाई पेज ओपन करते हैं, यहाँ पर भी दोनों में सेम टू सेम ही खुला है, हाँ सेम ही खुला है, ब्राउजिंग भी अच्छी है दोनों की, तगड़ी है। उसके बाद YT म्यूज़िक, ओके हल्का सा OnePlus आगे है। प्राइम वीडियो यहाँ पर भी अच्छा, दोनों में लगभग सेम ही स्पीड पर खुला है, इसके अंदर वो जो नोटिफिकेशन आ गया था। कैलकुलेटर सेम ही स्पीड पे खुले हैं दोनों में। ओला अगेन OnePlus जीता है हल्का सा। ऊबर यहाँ पर भी OnePlus जीता है हल्का सा। अमेजोन शॉपिंग एप्लीकेशन यहाँ पर भी OnePlus जीता है हल्का सा, मतलब दोनों में लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, तो वो चीज़ याद रखना। फ्लिपकार्ट यहाँ पर भी OnePlus जीता है। उसके बाद अब बड़े गेम्स ओपन कर देगा इस कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, लेट्स सी। वाओ, यहाँ पर iQOO हल्का सा जीता है, लाइक कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था लेकिन हल्का सा मार्जिन से iQOO जीता है। PUBG न्यू स्टेट खोलते हैं। ओके, यहाँ पर भी iQOO जीता है, वेरी नाइस। यहाँ पर अब खुला तो डेफिनेटली जब गेम्स वगैरह और बड़े एप्लीकेशंस की बात आती है तो iQOO ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। अभी सबवे सर्फर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी iQOO जीता है। काइन मास्टर ओके, दोनों में सेम स्पीड पे खुले हैं दोनों जन।
गाइस दोनों के अंदर मैंने एक मिनट की DSLR की खींची हुई फुटेज को इंपोर्ट कर लिया है एंड दोनों को मैंने 0.5x पे स्लो डाउन किया है। हम दोनों को रेंडर करेंगे 1080p 30fps में, जो बिट रेट होगा उसको 10 Mbps कर देते हैं, और जो फाइनल फाइल है जैसे गाइस देख रहे हो आप लोग 157 MB की बन रही है। लेट्स सी भाई कौन जीतता है यहाँ पर। ओके गाइस स्टार्ट करते हैं हम, 3 2 1 स्टार्ट। देखो ऊपर वन प्लस है, नीचे आईक्यू है। ओके गाइस सो क्लियरली आप लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हो जो वन प्लस है वो मच मच फास्टर है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 21 seconds के अंदर वन प्लस ने फिनिश कर दिया, वेर एज आईक्यू ने 35.68 seconds लिया है, 13 seconds से भी ज़्यादा की लीड है भाई वन प्लस की, जो काफ़ी क्रेजी है। और आई थिंक सो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये डायमेंसिटी जो है अभी तक इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है काइन मास्टर के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस तो भाई तगड़ी है दोनों की, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो है वो भाई बहुत दमदार है, 8th Gen 1 स्पेशली बहुत तगड़ा है, एंड यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है ऑलमोस्ट सारे मामले में फास्टर। कुछ कुछ मामले में आईक्यू भी यहां पर बढ़त बना रहा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली यहां पर एक अच्छी खासी लीड OnePlus ने ले रखी है। अब हम देखते हैं गाइस रैम मैनेजमेंट क्विकली, दोनों में 8GB रैम है बाय द वे, सब वे दोनों में था, ये भी दोनों में है, ये भी दोनों में है, दोनों में सारे गेम्स है भाई, अच्छी बात है। फ्लिपकार्ट भी है दोनों में, Amazon भी है दोनों में, वेरी नाइस। Uber ओके, OnePlus में Uber रीलोड हुआ है, ओला ओला दोनों में है, कैलकुलेटर दोनों में रिलोड हुआ, प्राइम वीडियो ओके वन प्लस में प्राइम वीडियो भी रिलोड हुआ, YT म्यूज़िक दोनों में रिलोड हुआ, क्रोम भी वन प्लस में रिलोड हुआ ओके, YouTube दोनों में रिलोड हुआ ओके, एम इंडिकेटर भी दोनों में रिलोड हुआ, लेकिन वन प्लस में ज़्यादा फास्ट रिलोड होता है भाई। फेसबुक दोनों में रिलोड हुआ जो कंटेंट है वो, बाकी इंस्टाग्राम ओके वन प्लस में है इसके अंदर रिलोड हुआ। ओके सो गाइज ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर जब बेसिक ऐप ओपनिंग की बात आती है तो वहाँ पर हल्का सा बेटर जो है वो वन प्लस 11R है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। कोई कोई एप्लीकेशन में ये भी आता है आईक्यू भी बीट कर देता है, जैसे कुछ कुछ गेम्स उसके अंदर बीट किया आईक्यू ने, उसके अलावा मेजॉरिटी ऐप्स में वन प्लस 11R ही जीता है। उसके बाद जब रैम मैनेजमेंट की बात आती है तो अभी भी वन प्लस को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, उतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन नहीं है रैम मैनेजमेंट का, इसकी वजह से आईक्यू ही जीत रहा है यहाँ पर रैम मैनेजमेंट में। थोड़ा सा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन जीत तो आईक्यू रहा है। बट जब वीडियो रेंडरिंग की बात आई तो वहां पर क्लियरली वन प्लस ज्यादा बेटर था। सो ओवरऑल अगर मैंने जितनी टेस्टिंग करी है एंड दोनों प्रोसेसर को मैंने जितना यूज करा है, तो अगर रॉ हॉर्स पावर की जहां बात आएगी तो वहां पर क्लियरली भाई 8th Gen 1 इज अ बेटर प्रोसेसर एंड डेफिनेटली मच बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज हुआ तो। बाकी ये वन प्लस के ऊपर है कि वो लोग किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं। बाकी आज का तो स्पीड टेस्ट का जो विनर है वो डेफिनेटली वन प्लस 11R है। बाकी आप लोग बताना गाइस आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मैं डेफिनेटली सुनना चाहूंगा उन ओपिनियंस को अपने कमेंट सेक्शन में। सो गाइस जैसे आपने देखा ये था स्पीड टेस्ट का रिजल्ट, एंड मतलब सरप्राइजिंग तो नहीं था, जितना मैंने टेस्ट किया इतने टाइम से 8th Gen 1 भाई जलवा है उसका, और 8th Gen 1 क्लियरली विनर है। यहां पर बहुत ज्यादा बड़ी मार्जिन नहीं है क्योंकि डायमेंसिटी 8200 भी काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है, लेकिन वीडियो रेंडरिंग के मामले में अभी भी उतना ऑप्टिमाइज नहीं है भाई, बाकी सारी चीजें सॉर्टेड है, मस्त लगा, डेफिनेटली विनर तो यही है। बाकी आई होप अभी जो छोटे मोटे बग्स हैं इस फोन के अंदर वो सारी चीजें भी क्लियर गए, उसके बाद तो भाई ये OnePlus 11R मजेदार फोन रहेगा। एंड अगर इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट को आपको चेकआउट करना है तो इधर जो व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन है आप लोग उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इतना ही था गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय।